दसवीं क्लास के पहले विद्यार्थियों, 1 अगस्त 2021 नु होया NTSC मॉक टेस्ट दे सारे मैथ विषय दे मैट अते सैट क्वेश्चन नु सॉल्व करके समझा के तुहानू भेज रहा हाँ, ता जो तुहानू तुहाडे वल्लों किन्ने क्वेश्चन सही होए ने ते कोई क्वेश्चन गलत हो गया है ते वो किवें पता लगेगा इस वीडियो नु देख के। तुहानू अपने मार्क्स भी पता लग जाणगे किन्ने क्वेश्चन तुसी सही किते ने ते किन्ने गलत किते ने, ते जेकर कोई क्वेश्चन तुहाडे वल्लों गलत हो भी गया है तां वो क्यों गलत हो गया है, तुहाडे समझण दे विच की कमी रह गई सी, इस बारे भी तुहानू पता लग जाएगा। इस करके इस वीडियो नू बिल्कुल अंत तक ध्यान नाल देखियो, जरूर समझ आएगी तुहानू। पहला क्वेश्चन साडे कोल है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस चक्कर दे अंदर कुछ रकमां लिखियां होईयां ने, 4 4 तो 9 बन गया, 9 तो 20 बन गया, 20 तो 43 बन गया, 43 तो 90 बन गया। हुण 90 तो बाद की बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क असी फिल करना है। ध्यान देखो कितना समझाऊंगा मैं तुहानू, ध्यान देखियो सारा। सब तो पहला असी 4 दे विच प्लस की किया, 4 जमा 1, ध्यान देखियो 4 दे विच प्लस किया 4 जमा 1, 4 ते 4 8 ते 1 9 बन गया, देखो आ गया ना। फिर 9 दे विच की प्लस किया, 9 जमा 2, ध्यान देखो सेम रकम दे विच सेम रकम प्लस करनी है, तो नाल 1 प्लस किया, सेम रकम दे विच सेम रकम प्लस करके नाल 2 प्लस किए, देखो 20 बन गए। हुण 20 दे विच 20 प्लस किने लिखांगे, 1 2 3, वेरी गुड। तो हुण आपां किने बन गए, देखो 20 ते 20 40 43, समझ लग रही है 43 है, तो 43 तो लिखना ही लिखना है प्लस 1 2 3 ते 4। हुण जोड़ के देखो 43 ते 43 86, 86 ते 4 90 आ गया। हुण 90 दे विच असीं 90 जोड़ांगे, जमा होर की जोड़ांगे, 1 2 3 4 5 जोड़ांगे, तो 90 ते 90 180 ते 5, 185 इत्थे आना चाहिदा है। तो साडे ऑप्शन 185 देखो किहड़ा है, ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन का साडे कोल ऑप्शन किहड़ा आ गया है, ऑप्शन डी। उम्मीद है तुसीं सारे ने ऑप्शन डी ही लगाया होएगा, तो जेकर किसी बच्चे ने नहीं लगाया तो उसनों पता लग गया कि उसकी की गलती सी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जी, दूजा क्वेश्चन फिर तुहाडे कोल किस तरीके नाल आ रहा, देखो सैकेंड क्वेश्चन दे विच तुहानू कुछ ट्राइंगल्स दिते गए ने, ते असी उस ट्राइंगल नू देख के समझना है कि किस तरह वो ट्राइंगल्स दे विच वैल्यूज भरियां गईयां ने, ते असी हुण किस तरह तीजे ट्राइंगल दे क्वेश्चन मार्क नू पूरा करना है। पहले ट्राइंगल च इधर 15 है, फिर 30 है, फिर 5 है, विचकार 30 है, 8 10 6 12, क्वेश्चन मार्क 8 2 ते 10। जजमेंट बहुत ही सौखी है, ध्यान देखियो फिर सारे, ये 30 है बेटा जी, 15 ते 5, 20 ते 30 50 नहीं बनी गल इधर, सॉरी बेटा 20 है। आ देखो तुसी इन्हां नूं जोड़ दिओ, जोड़ करके 5 घटा दिओ, 20 जमा 15 35, 35 दे विच 5 गए 30 आ गया, 10 ते 8 जोड़ो 18 माइनस 6, 18 6 के 12, बिल्कुल सही। इट मीनस 8 विच इनू जोड़ना है, 8 विच की जोड़िए तो फिर उस 10 घटाना है कि 2 आ जाए, ध्यान समझो 8 विच जे आप 4 जोड़ते हैं, देखो साढ़े को ऑप्शन है, जब 4 पहली ऑप्शन देख लीए, 8 विच 4 जोड़िए 12 12 चो 10 गए 2, बिल्कुल सही ऑप्शन आई है साढ़े को 4, तो साढ़ा पहला ही ऑप्शन सही आ चुका है। यदि मतलब दूजे क्वेश्चन का साडा ऑप्शन केड़ा आ गया, ए ऑप्शन। उम्मीद है तुहानू पहला ते दूजा क्वेश्चन समझ आया होगा, तीजे क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि द टोटल ऑफ द एज ऑफ ए बी सी इज 80, मतलब ए दी उम्र जमा बी दी उम्र जमा सी दी उम्र 80 साल है बेटा जी। ए बी अते सी दी उम्र का जोड़ दिता गया है 3 साल पहला, जे 3 साल पहला करांगे तो ए दी उम्र भी 3 साल घट जाएगी है ना, बी दी भी 3 घटेगी, सी दी भी 3 घटेगी, यदा मतलब 80 दे विच्चों असी 3 ते 3 6 ते 9 घटावांगे ना, यदा मतलब हुण उन्हां दी जोड़ हो जाएगा 71। मेरी गल समझ लग गई, जदों 3 फ्रेंड्स दी 3 3 साल उम्र कम करूँगा तो यदि उम्र मान लो यदि उम्र 10 सी, यदि 11 सी, यदि 12 सी, यदि 8 रह जाएगी ना 3 साल पहले, यदि भी तो 3 घटेगी, यदि भी 3 घटेगी, मतलब 3 3 6 ते 9 घटा के साडा आंसर आ गया 71, तो साडा जिहड़ा ऑप्शन सीगा वो किहड़ा आ गया है सी। तीजा क्वेश्चन ऑप्शन आ चुका है साडे कोल सी, उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा।
चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर ध्यान नाल कहिंदा है प्लस नू बना दिओ जी भाग दा माइनस सॉरी गुणा नू बना दिओ जी भाग माइनस नू बना दिओ प्लस ते भाग नू बना दिओ गुणा ते फाइंड की करना सी 67 जमा 45 माइनस 4 जमा 7। हुण देखो ध्यान नाल सब तो पहला प्लस नू बनाना है असी माइनस माइनस नू प्लस प्लस नू माइनस इत्थे कोई जोड़ घटाओ की गल ही नहीं हुई 67 45 4 ते 7। हुण पहला आ रकम ते आ रकम प्लस दी इहनू जोड़ लिया 71 आ गया ते आ रकम ते आ रकम माइनस दी इहनू भी जोड़ लिया साडे कोल कितना आ गया 45 ते 7 52 71 दे विचों 52 घटाए साडे कोल आ गया 19। इहदा मतलब साडा जिहड़ा आंसर आया है ऑप्शन बी आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 दा। उम्मीद है समझ आया होएगा कि किस तरह से प्लस नू माइनस माइनस नू प्लस प्लस नू माइनस चेंज करके सवाल नू हल किया है। तो पंजवें सवाल वो चलते हैं आप बहुत ही सौखा है सवाल। पंजवा सवाल की कहता है देखो ओ इज टू बी रिप्लेस्ड बाय वन ओ नहीं है सॉरी जीरो है जीरो नू कहता जी एक बना दिओ एक नू दो बना दिओ दो नू तीन बना दिओ तीन नू चार बना दिओ चार नू पांच बना दो पांच नू छे ते छे नू सत ते सत नू अठ ते अठ नू नौ ते नौ नू जीरो। ध्यान नाल देखना सारे ने की कह रहा हो क्वेश्चन की है। हम देखो 78 माइनस 12 माइनस 13 माइनस 14 हूँ बड़े ही ध्यान सवाल हल करा सत्त नू बनाना सी अठ अठ नू नौ माइनस एक नू दो दो नू तीन एक नू दो तीन नू चार एक नू दो चार नू पांच एक अगे जाना है ना आप ठीक है। तो हूँ देखो जी आ रकम सिंगल है प्लस दी बाकी तीन है माइनस दियाँ तो प्लस हो जाएगी तो असी 23 नू 24 नू ते 25 नू प्लस करा पाँच चार नौ तीन बारह दो उपर एक दो दो चार दो छे और एक सत्त 72 तो 72 हूँ 89 चो घटाना पैना है नौ चो दो गए 7 17 साडा आंसर आउंदा है जो कि साडा ऑप्शन केड़ा है सी ऑप्शन। इहदा मतलब जिहड़ा साडे कोल क्वेश्चन नंबर आया है पंजवां उहदा आंसर आ गया है जी सी। इस तरह उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा किस तरह असीं जीरो नू एक एक नू दो कन्वर्ट करते हुए आंसर प्राप्त किया है। हूँ छेवें क्वेश्चन पर चलते हैं। छेवां क्वेश्चन ध्यान देखना बेटा जी सारे ने विच अल्फाबैट इज पहला आपां नू अल्फाबैट लिख लेने चाहिए ने विच अल्फाबैट मंग रहा है। देखो बेटा छेवें क्वेश्चन लिए असीं पूरी ABC लिख ली है पंजाबी मीडियम दे विच पढ़ो होर सौखा लगेगा। अंग्रेजी वर्णमाला विच सज्जे पासा आ सज्जा पासा हुंदा बेटा आ खब्बा पासा हुंदा है सज्जे पास्यों 19वां अक्षर पहला आपां 19वां अक्षर कढ लईए एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नी आ है जाना 19वां अक्षर 19वीं अक्षर के सज्जे पासे हूँ इस पासे जाना सज्जे पासे नू छेवां अक्षर एक एक दो तीन चार पाँच छेवां अक्षर इहदा मतलब साडा आंसर की आ गया है एन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर छेवां किया है असी तो उहदा साडे कोल ऑप्शन आई है जी बी ऑप्शन। उम्मीद है समझ आया होगा तुहानू कि छेवें क्वेश्चन दे विच ऑप्शन किस तरह से पता कीती है। हुण सत्तवें क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्तवें क्वेश्चन दे विच भी बहुत ही सौखा क्वेश्चन लग रहा है कहिंदा है कि जेकर शब्द प्लेजर दे पहले अते तीसरे दूसरे अते चौथे पंजवें ते सत्तवें छेवें ते अठवें अक्षरां दे स्थान आपस विच बदल दिते जाण तां नवें बने शब्द पहला आपां शब्द लिख लईए। देखो ध्यान नाल सत्तवें प्रश्न दे विच असी शब्द लिखिया पी एल ई ए एस यू आर ई हुण ध्यान नाल समझना है उन्हें की किया पहला अक्षर है देखो ध्यान नाल समझो पी है फिर एल है फिर ई है फिर ई है फिर एस यू आर ई उन्हें की क्या है पहला अक्षर पहला तीजे नाल बदलते हुए मतलब पी नू
ई बना दिता जाए, अगे चलो पी ते ई नू इंटरचेंज किया जाए, जिथे पी है उत्थे ई, इत्थे ई है उत्थे पी। दूजे चौथा दू पहले नाल तीजा दूजे नाल चौथा, मतलब एल ते ई इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, समझ लग रही है? पहले ते तीजे नू इंटरचेंज करना है, इदा कर लेने हैं। पहले तीजे नू इंटरचेंज करना मतलब की है, इत्थे ई इत्थे पी, दूजे ते चौथे नू इंटरचेंज करना है, इदा मतलब की आ गया ए इधर ते एल उधर। लगेगा समझ? अगे चलो पंजवें ते सतवें नू, पंजवें नाल सतवां आर ते एस, छेवां ते अठवां, क्या देखियो छेवां नाल अठवां मतलब ई इधर यू इधर। लगी गल समझ? अगे बढ़ते हैं तो नवे बने शब्द विच सज्जे पास्यों दूजा अखर, सज्जे पास्यों दूजा अखर केड़ा है? एस। तो साढ़े को जिहड़ा सत्तवें क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है वह आ गया है सी। बहुत ही सिंपल वे नाल, इस वे नूं आपां नहीं यूज़ किया असी, सिंपल जिदा जहाँ उसने कहा कि पहले तो तीजे नूं चेंज कर दिओ, मतलब पहला अखर तीजे ते लै जाओ, तीजा अखर पहले ते लै जाओ। उस तरह मैं करता चला गया तो अखीर तो दूजा अखर मैं पता किया एस। इस तरह साढ़े सत्त क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हूँ हम अठवें क्वेश्चन में चलते हैं। अठवां क्वेश्चन कहता है कि दिते गए चार विकल्पों विचों केड़ा विकल्प हफ्ता दिन ते साल नूं संकेत करता। देखो बेटा जी, हफ्ता सत हफ्ते दे विच दिन होंगे ने, है ना, मतलब दिन सब तो छोटा है, उस तो वड्डा आया जी हफ्ता, हफ्ते तो वड्डा आ गया साल। इंग्लिश में असीं कह सकते हैं कि सब तो पहला डेज आते हैं, फिर वीक आता है, फिर जाके ईयर आता है। ईयर दे विच ये दोनों होंगे ने, वीक दे विच डेज होंगे है। तो सब नूं साफ पता लग रहा है कि पहला ही जिहड़ा ऑप्शन है उहदे विच देखो पहला दिन ने, दिन हफ्ते दे अंदर चले गए ते दोने साल दे अंदर चले गए। तो यही साडा आंसर बिल्कुल सही मन्या जा सकता है, क्योंकि इहदे विच दिन ते हफ्ते का कोई लिंक नहीं बन रहा ना, ते बाहर निकल गए, ये गलत हो गया। साडा जिहड़ा ऑप्शन ए है अठवें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। हुण नौवां क्वेश्चन भी देख लैने नाल ही, ए ऑप्शन ए हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर अल्टरनेटिव रिप्रजेंट द रिलेशनशिप, सेम क्वेश्चन आ गया। हूँ की आ गया देखो, ये क्वेश्चन नौवें दे विच कहिंदा है रंग कलर लाल ते नीला। देखो ध्यान नाल, लाल रंग ते नीले रंग दा आपस च कोई संबंध नहीं है, पर दोवें है तो एक रंग ही ना, तो रंग दे अंदर ही आने। तो रंग दे खाने दे विच लाल भी आता है ते नीला भी आता है, पर लाल और नीले दा आपस च कोई लेना देना नहीं है। इस करके ये ऑप्शन साडे कोल बी बनती है नौवें क्वेश्चन की। उम्मीद है अठवां ते नौवां क्वेश्चन एको जिहा सीगा, समझ आया होएगा। हुण आपां दसवें क्वेश्चन वल जा रहे हैं, ध्यान देखियो। लो जी, होर भी सौखा क्वेश्चन पाया गया। कहिंदा है कि रिया, आ देखो ध्यान समझना है, रिया रिया वाल इशारा हो रहा है। तुसी अपने अपने दिमाग ना सोचो कि सामने रिया खड़ी है, तो उसनू इशारा करते हुए तुसी अनिल हो। तुसी कौन हो? अनिल हो। अनिल हुन रिया नू की कह रहा है, कहिंदा रिया तू मेरे दादा जी दे, रिया केड़ा है? अनिल दे दादा, अनिल दे दादा दे इकलौते बेटे दी धी है। अनिल दा दादा दा इकलौता बेटा, दादे दा बेटा कौन होंदा मुझे दसो जरा, दादे दा बेटा तो पापा हो गए ना अपने, तुहाडे फादर, ठीक है ना। हुण रिया कौन है? दादे दे बेटे दी धी, इहदा मतलब की होया तुहाडी की होई हो, दादे दा बेटा तुहाडे फादर होए ते फादर दी बेटी तुहाडी की होई भैन। बिल्कुल सही, इहदा मतलब रिया तुहाडी की बनी भैन बन गई। तो ये तुहाडा ऑप्शन आ गया जी बी, दसवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। लो जी, ग्यारहवां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हुण पार्क विच एक आदमी वल इशारा कर रहे हैं, विमल ने कहा। हुण फिर वही गल, एक आदमी है एक विमल है, विमल तुसी हो, तुसी उस आदमी नू की कह रहे हो? विमल की कह रहा है कि आदमी नू कहिंदा कि तेरा पुत्र, आदमी दा पुत्र
ते विमल दा पुत्तर, ध्यान समझना है, उसका पुत्र मेरे पुत्र दा चाचा, मतलब ये जड़ा है इसका चाचा है, ध्यान समझ लो, इस पुत्र दा चाचा। हुण तुसीं अपने हिसाब नाल लाके चलो कि उन्हें क्या विमल नाल किवें संबंधित है, इन्हां च की रिलेशनशिप है। हुण विमल नूं तुसीं अपने पापा मान के चलो, फादर ने, तुसीं उन्हां दे बेटे हो गए, ठीक है ना। हुण इस आदमी दा जो पुत्र है वो तुहाडे पुत्र दा चाचा है। हुण तुहाडे पुत्र दा चाचा तुहाडा भरा हो गया, है ना, और तुहाडे भरा दा जिहड़ा फादर है वो कौन होया, तुहाडा भी फादर, ठीक है ना। इहदा मतलब विमल ने की किया, अपने दादे नूं किया कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, तुहाडा पुत्र मेरे पुत्र दा चाचा है। बन गया ना, देखो गल बन गई ना। जे ये तुहाडे दादा जी होण तां तुहाडे फादर विमल कह रहे ने तुहाडे दादा जी नूं कि मेरे, तुहाडा पुत्र मेरे पुत्र दा चाचा है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, साडे कोल ऑप्शन केड़ा आ गया बेटा जी, सी ऑप्शन। 12वें क्वेश्चन में चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तुहाडे कोल आ गया जी बेटा। 12वें क्वेश्चन वास्ते सानू पहले एक डायग्राम बनाना पएगा, इंस्ट्रक्शन नू पढ़ के ध्यान देखियो। देखो बेटा उन्हें की किया, कहिंदा है कि इन्हां प्रश्नों के जवाब देन हेठां दित्ती जानकारी दा ध्यान नाल अध्ययन करो। 8 दोस्त ने जे के एल एम एन ओ पी ते क्यू केंद्र वल मूह करके, आ केंद्र है बेटा, देखो सारे तो मूह उस पासे ने, एक चक्कर नू दे आले दुआले बैठे हन। जे एन दा गुआंढी नहीं है, देखो आ जे है तो एन का जो गुआढ़ी नहीं है तो मैं वो विचकार दो अखर की स्पेस छड़ के पहले एन बना लिया, देखो ठीक है ना। एल के दे सज्जे तो तीजे नंबर पर है, एल देखो आ रहा के आ रहा, के दे सज्जे तो एक दो तीजे नंबर पर है, दूजी कंडीशन भी पूरी हो गई। अगे चलते हैं, एल के दे सज्जे तीजे नंबर पर है, क्यू एन दे खब्बे तो दूजा है, देखो क्यों आ रहा, एन का खब्बा, एन दे खब्बे तो दूजा अखर है जो एल दे सज्जे पासे है, देखो एल दे सज्जे पासे है, ओ एन जा के दा गुआंढी नहीं है, ओ ना ता एन दा गुआंढी है ना के दा गुआंढी है, पी दे खब्बे पासे है, पी दे खब्बे पासे है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस नू फॉलो करते हुए असी अपना डायग्राम तैयार कर लिया है। पहला क्वेश्चन इस डायग्राम नू पढ़ते हुए दसना है सी, हु इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एम, एल ते एम दे विचकार कौन है। पहले क्वेश्चन दा आंसर तुहाडे सामने है, एल ते एम दे विचकार एन है बेटा जी। तो क्वेश्चन 12वें दा साडा ऑप्शन सी आया जी आंसर एन, उम्मीद है समझ आया होगा। 13वां क्वेश्चन भी इन्हां दे विच्चों ही है बेटा, ध्यान देखो क्वेश्चन 13वां। 13वें क्वेश्चन च कह रहा है कि हेठ लिखियां विच्चों किहड़ा व्यक्ति ओ दे गुआंढियां नूं दर्शाउंदा है, नेबर ऑफ ओ, आ देखो ओ लिखिया, ओदा नेबर जां तां एम होएगा ते जां फिर पी होएगा, है ना। तो एम हो सकता है और पी हो सकता है ओदा नेबर, जो कि साडा ऑप्शन है 4। तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया जी साडे कोल, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन भी बेटा इसे डायग्राम के उत्ते बेस्ड है, इस करके असी 14वां क्वेश्चन भी इतने कर रहे हैं। हु इज़ टू इमीडिएट राइट ऑफ के, के दे सज्जे पासे, आ के है, आ सज्जा हुंदा पिछे खब्बा हुंदा ना, के दे सज्जे पासे कौन है, जे, तो जे ऑप्शन साडे कोल है ए। तो पहली ऑप्शन ही साडे 14वें क्वेश्चन की आंसर आ गई है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, हुण आपां 15वां क्वेश्चन करन जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैट, मैट दे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखियो। लो जी बेटा 15वां क्वेश्चन थोड़े सामने है, कहते अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, नेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। पहले नंबर पे नेशन है, फिर विलेज, फिर सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, पंजाबी देश, पिंड, शहर, जिला ते राज, इनू आपां वधदे कदम च लिखना है। सब तो पहला कौन आता बेटा, सब तो पहला पिंड आता, देखो सब तो पहला की आएगा, 2 नंबर, उस तो बाद पिंड, तो बाद उस तो बाद आता जी शहर, है ना, फिर आएगा 3 नंबर, शहर पिंड तो बाद की बन गया, शहर बन गया, शहर तो बाद की बनता है जिला, डिस्ट्रिक्ट, है ना, 4, डिस्ट्रिक्ट तो बाद की बन गया जी स्टेट, जिदा अपनी पंजाब है स्टेट, 5 नंबर, स्टेट तो बाद आता है जी नेशन, देश, 1। तो आ साड़ी सीक्वेंस बनती है 2, 3, 4, 5 ते 1। पहला ही ऑप्शन बेटा जी 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन 1 तुहाडा आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए। उम्मीद है तुहानू समझ आई होएगी। इस तरह साडे मैट विषय के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है तुहानू समझ आया होएगा।
जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे तो जरूर लाइक करो, जरूर कमेंट करो, तो वध शेयर करो इस वीडियो नू, ते मेरे चैनल नू सब्सक्राइब करना ना भूलो।